Welcome everyone, this is Aniray from Muscle Clinic. In this episode, we'll discuss how to look different and stylish in gym. Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लुक डिफरेंट एंड स्टाइलिश इन जिम. आओ 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 आओ, इसी के लिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जिम में जाके स्टाइलिश और हैंडसम कैसे दिख सकते हैं. बिकॉज हम बाहर तो बहुत अच्छे से शो ऑफ करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जिम में जाते वक्त हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते. तो गाइज, ये वीडियो स्पेशली फॉर दोज गाइज जो बिल्कुल ग्रूमिंग मेंटेन नहीं करते जिम में जाके. तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप जब जिम में जाएंगे तो आप अलग दिखेंगे, जिम में सबसे हैंडसम दिखेंगे. तो टिप नंबर वन गाइस, जो भी लोग लोअर पहनते हैं, ट्रैक्स पहनते हैं, तो जो लूज वाला और बैगी ट्रैक्स आता है वो आउटडेटेड हो चुका है. तो प्लीज़ वैसा मत पहनिए. आजकल बहुत अच्छा स्लिम फिट लोअर्स और ट्रैक्स आ रहे हैं, हर ब्रांड में आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 1200 टू लाइक 3-4 thousand में अच्छा ब्रांडेड मिल जाएगा, जैसे नाइकी एंड ऑल. ठीक है, तो अपने हिसाब से फिट आप देखिए और स्लीक वाला पहनिए. बिकॉज जो पहले के ज़माने में बैगी बैगी रहता था वैसा आजकल का ट्रेंड नहीं है. और जिनकी हाइट मेरे जैसे है, थोड़े से शॉर्ट है, उन लोग स्पेशली जो थोड़े लूज वाले ट्रैक्स है वो अवॉइड करिए, जिससे लूज वाला पहनने से आपकी हाइट और शॉर्ट दिखती है. तो ये रहा मेरा टिप नंबर वन. टिप नंबर टू, अगर आपके लंबे बाल हैं, जैसे कि मतलब बहुत लोग लंबे बाल रखते हैं, अभी आउट ऑफ ट्रेंड है, फिर भी उनको पसंद है लंबे बाल रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं. बिकॉज हम जब वर्कआउट करते हैं बहुत सारा स्वेट आता है, तो उस टाइम पे आप क्या करिए, आप एक बंडाना टाई कर सकते हैं या फिर कैप पहन के आप वर्कआउट कर सकते हैं, जो कि बहुत स्टाइलिश दिखता है. मेरा टिप नंबर तीन, अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आप टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांडेड टीज आते हैं जिससे आपके मसल्स बहुत अच्छे दिखेंगे और आप ज़्यादा हैंडसम दिख सकते हैं. तो प्रॉपर फिटेड पहनना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कैजुअल पहन रहे हैं या फिर जिम वेयर, हमेशा फिटिंग, प्रॉपर फिटिंग होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी प्रॉपर फिटिंग नहीं है, अगर लूज टी शर्ट है, तो आप उसको टेलर के पास जाके ऑल्टर कराइए और प्रॉपर फिट में पहनिए. जिसमें ज़्यादातर टाइम पे आप ध्यान रखिएगा कि आप कॉटन टीज अवॉइड करिए, या जो टी शर्ट्स पहनते हैं हम लोग कॉटन वाले वो अवॉइड करिए. बिकॉज हम जिम में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और बहुत सारा स्वेट निकलता है, उस टाइम पे क्या, अगर आप कॉटन टीज पहनेंगे तो आपके ऊपर बहुत भारी भारी लगने लगेगा. तो दैट टाइम यूज ड्राई फिट टी शर्ट्स. आजकल बहुत सारे ड्राई फिट और जो परफॉर्मेंस सीरीज आती है जो बहुत कम बजट से स्टार्ट हो जाता है, तो वो वाले टीज लीजिए जिसमें आप लोग स्वेट आएगा भी तो भी आपको लाइट वेटेड लगेगा आपको, क्योंकि वो फटाफट ड्राई हो जाता है तो आपको वेटेड नहीं लगेगा. टिप नंबर फोर, आप एक अच्छा सा हेडफोन कैरी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन लगा रहेगा जिम में. बिकॉज क्या होगा, बाहर के आवाज एंड बाहर की बातें आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन से वर्कआउट करना तो एक अच्छा सा म्यूजिक होना जरूरी है. उस हिसाब से आप आजकल बहुत सारे ट्रेंडी हेडफोन्स आते हैं, जैसे इस टाइप के बड़े वाले हेडफोन भी आप यूज कर सकते हैं. बट जैसे मैंने पहले वीडियोज में बता चुका हूँ कि जो वायर्ड वाले हेडफोन रहता है वो अवॉइड करिए, उससे एक्सीडेंट हो सकता है. तो वायरलेस कुछ भी, आजकल ब्लूटूथ अच्छे अच्छे हेडफोन्स आ रहे हैं, तो स्टाइलिश भी दिखते हैं और आप इसको अच्छे से कैरी भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनने को मिलेगा और अच्छा लिफ्टिंग भी इसी से होगा. टिप नंबर फाइव, जिनकी हाइट अच्छी है और जो प्रॉपर टाइप से जिनका लेग्स शेप में है, स्पेशली काफ्स पोर्शन अगर बहुत अच्छा है, तो गो फॉर शॉर्ट्स. लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग वाले जो शॉर्ट्स रहते हैं वो अवॉइड करिए, जो 7-8 inches वाले जो शॉर्ट्स रहते हैं नाइकी के आते हैं वो हमेशा कैरी करिए. क्या होता है, आपके लेग्स बहुत अच्छे दिखते हैं और साथ ही में गर्ल्स गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गुड काफ्स. तो ये एक साइंटिफिक स्टडीज में बताया हुआ है कि काफ्स मसल जिसके अच्छे रहते हैं उनसे लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो प्लीज़ फॉलो दिस. उसके बाद आता है टिप नंबर सिक्स गाइस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है मैचिंग करते हुए, ब्रांड्स का हमेशा मैचिंग हर चीज़, जैसे नाइकी मैंने कैप पहना तो टी शर्ट भी नाइकी का और ट्रैक भी नाइकी के. तो गाइस ऐसा मत करिए, आपके पास जो जो अलग अलग चीज़ें हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करके पहन सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी चीज़ें एक ही ब्रांड की हो, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग, जैसे मुझे सिर्फ नाइकी के लोअर प्रॉपर फिट आते हैं, बाकी जो एडिडास एंड अदर जो स्पोर्ट्स ब्रांड है उनके लोअर मुझे प्रॉपर फिट नहीं होते, तो मैं नाइकी का लोअर पहनता हूँ, टॉप मैं कोई से भी ब्रांड का पहनता हूँ. तो मैं कभी मैचिंग पे नहीं जाता, प्रॉपर फिटिंग जिसकी आती है उसमें जाता हूँ. अब मेरा टिप नंबर सिक्स,
जो लोग थोड़े हेल्दी हैं, जो वेट लॉस करने के लिए गए हैं, और अगर आप फिर टी शर्ट पहनने से आपको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट लगता है, तो आप जिपर कैरी करिए। कोई भी एक पतले टाइप का जो भी जिपर रहता है या स्वेटशर्ट, कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, स्पेशली जो थोड़ा सा पतला होना चाहिए ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सके, जिससे आपके थोड़े से अगर ज्यादा एक्स्ट्रा वेट है तो उसमें आप दिखेंगे नहीं। टिप नंबर 7, वेयर अ प्रॉपर स्पोर्ट्स वॉच, जैसे जी शॉक का होता है, मैं हमेशा कैरी करता हूँ अपने साथ जिम में, हमेशा पहनता हूँ, बिकॉज ये स्वेट प्रूफ होता है और आपको हमेशा बताते रहता है आपका जिम का वर्कआउट का टाइम हो गया, या फिर आप टाइम डिले कर रहे हैं, तो आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल और प्रॉपर टाइम होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि उसमें हम लोग फालतू में कहीं पर टाइम वेस्ट कर देते हैं और प्रॉपर वर्कआउट में ध्यान नहीं देता, तो आप अलार्म लगा के रखेंगे तो उससे आपको क्या होगा, प्रॉपर टाइम पता चलेगी कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको वर्कआउट करना है। टिप नंबर 8 ये है कि आप ना हमेशा कैरी करिए एक जो ट्रेनिंग शूज हो, अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वेट ट्रेनिंग का प्रॉपर शूज होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, फैंसी शूज के पीछे चले जाते हैं, जिम में कुछ भी पहन के आ जाते हैं। गाइस, वो आपको अच्छा दिखना है लेकिन पहले आपकी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से एक प्रॉपर ट्रेनिंग शूज होना बहुत जरूरी है। जो भी ब्रांड का आप, कोई से भी मैं ब्रांड के बारे में बात नहीं करूंगा, आपके बजट में जो भी ब्रांड आए, लेकिन वो ट्रेनिंग शूज होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्नीकर पहन के चले गए जिम में वर्कआउट करने के लिए, ऐसा मत करिए। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ट्रेनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिम में हम ट्रेनिंग करने जाते हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, वहां जाके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट लाइफस्टाइल, अबाउट फिटनेस, अबाउट फूड, तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा और वहां जाके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। साथ ही में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।